दूसरी बार जयपुर पहुंचे जेपी नड्डा। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार कर रहे रणनीति, कांग्रेस के खिलाफ यात्रा निकालेगी बीजेपी। राजस्थान में विधानसभा चुनावी नजदीक आने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 13 दिनों में दूसरी बार जयपुर पहुंच गए हैं, जहां वे बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के साथ ही चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर समेत राजस्थान बीजेपी के आला नेता बीजेपी कार्यालय पहुंचे। जेपी नड्डा एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इसके बाद ही बीजेपी कार्यालय में ही बैठक शुरू हुई। इसके बाद शाम को दिल्ली लौट जाएंगे। नड्डा अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान पूरे समय बीजेपी कार्यालय में ही रहेंगे। राजस्थान में इस साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नड्डा की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में विधानसभा चुनावों को लेकर आगामी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान बीजेपी द्वारा निकाली जाने वाली परिवर्तन यात्रा का रूट और यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर भी फैसला हो सकता है। इससे पहले 9 और 10 जुलाई को बीजेपी की सवाई माधोपुर में विजय संकल्प बैठक में प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने का कार्यक्रम तय हुआ था। यह 2 दिवसीय बैठक भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ली थी। इसमें प्रदेश के 3 परिवर्तन यात्रा निकालने पर चर्चा की गई थी। इसमें एक यात्रा डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम से, दूसरी हनुमानगढ़ के गोगो मेड़ी और तीसरी सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से निकालना तय हुआ है। लेकिन इन यात्राओं के आगे के रूट क्या होंगे, प्रदेश के कौन कौन से नेता इन यात्राओं का नेतृत्व करेंगे, इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया था। ऐसे में अब नड्डा की बैठक इसके फैसले पर अंतिम मुहर लगा सकती है।